सादगी कृष्णमूर्ति। प्रश्न, सादगी क्या है? क्या इसका अर्थ है जो आवश्यक है उसे बड़ी स्पष्टता से देख पाना और बाकी तमाम चीजों को एक तरफ कर देना? कृष्णमूर्ति, पहले हम देखें कि सादगी क्या नहीं है। अब आप यह न कहें यह तो निषेध है या हमें कुछ विधि परक बताएं। ऐसा कहना तो एक अपरिपक्व एवं विचारहीन प्रतिक्रिया होगी। जो लोग कुछ विधि परक पेश करते हैं वे शोषक होते हैं। उनके पास आपको देने के लिए ऐसा कुछ होता है जो आप चाहते हैं और उसके जरिए वे आपका शोषण करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सादगी क्या है, सरलता क्या है, इसके सत्य का पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी धारणाओं का त्याग कर उन्हें पीछे छोड़कर नए सिरे से अवलोकन करना होगा। जिसके पास बहुत होता है वही आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर क्रांति से भयभीत रहता है। तो हम यह पता लगाएं कि सरलता क्या नहीं है। एक जटिल मन सदा सरल नहीं होता या होता है। एक चतुर मन सरल नहीं होता। जो मन किसी लक्ष्य को नजर में रखकर किसी पारितोषिक की आस में या किसी भय के कारण कार्य कर रहा है वह मन सरल नहीं है। जो ज्ञान के बोझ से दबा है वह सरल मन नहीं है। विश्वासों से पंगु हुआ मन सीधा नहीं है। हम सोचते हैं कि पहनने के लिए एक या दो धोती रखना सादगी है। हम सादगी का बाहरी दिखावा चाहते हैं और उससे बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं। इसीलिए धनी व्यक्ति उसकी पूजा करता है जिसने सब त्याग दिया है। सादगी क्या है? क्या सादगी अनावश्यक का त्याग और आवश्यक का अनुशीलन हो सकती है? जिसका अर्थ होगा वरण की चयन की प्रक्रिया। क्या इसका अर्थ चुनाव नहीं है? यानी जो जरूरी है उसे चुन लेना और जो गैर जरूरी है उसे छोड़ देना। चुनने की यह प्रक्रिया क्या है? चुनाव करने वाली हस्ती कौन है? मन ही ना? आप उसे क्या नाम देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। आप कहते हैं मैं इसे चुनूंगा यह आवश्यक है। आप कैसे जानते हैं कि आवश्यक क्या है? या तो दूसरे लोगों से जो कुछ कहा है उसका आपके मन में कोई प्रारूप है या आपका इस बारे में अपना अनुभव कहता है कि यह है आवश्यक। क्या आप अपने अनुभव पर निर्भर कर सकते हैं? जब आप चुनाव करते हैं तो आपका चुनाव आकांक्षा पर आधारित होता है ना? जिसे आप आवश्यक कहते हैं वह वही होता है जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए आप पुनः उसी प्रक्रिया में लौट आते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो क्या एक भ्रांत मन चुन सकता है? और यदि वह चुनता है
तो क्या वह चुनाव भी भ्रांत नहीं होता? अतः आवश्यक और अनावश्यक के बीच चुनाव सादगी नहीं है, वह तो द्वंद्व ही है। द्वंद्व में भी भ्रम में फंसा मन सीधा साधा कभी नहीं हो सकता। जब आप मन की तमाम झूठी बीज चीजों इसकी चालाकियों का अवलोकन व निरीक्षण करेंगे और इस तरह इन्हें त्याग देंगे, जब आप मन को देखेंगे और इसके प्रति जागरूक होंगे, तब आप स्वयं ही जान लेंगे कि सादगी सरलता क्या होती है। किसी विश्वास से बंधा मन कभी सरल नहीं हो सकता। ज्ञान द्वारा पंगु हो चुका मन सरल नहीं होता। जो मन ईश्वर में, स्त्रियों में, संगीत में अपना ध्यान बटा लेता है, सरल मन नहीं है। दफ्तर, कर्मकांड व प्रार्थनाओं की नित्य चर्चा से जकड़े मन में सादगी नहीं होती। सादगी तो धारणा रहित कर्म है, वह एक बड़ी विरल बात है। उसका अर्थ है सृजनशीलता। जब तक सृजन नहीं होता, तब तक हम दुष्टता, क्लेश और विनाश के केंद्र बने रहते हैं। सादगी कुछ ऐसा नहीं है जिसका आप अनुशीलन करके अनुभव कर सकते हो। सादगी वैसे ही आती है जैसे सही वक्त। पर फूल खिलता है जब कोई भी अस्तित्व और संबंध की समस्त प्रक्रियाओं का समझ लेता है। हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है, उसका निरीक्षण नहीं किया है, इसीलिए हम उसके प्रति जागरूक नहीं है। हम अपरिग्रह के तमाम बाहरी रूपों को मूल्य देते हैं, लेकिन वह सब सादगी नहीं है। सादगी को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। वह आवश्यक और अनावश्यक के बीच चुनाव नहीं है। वह तभी अभिव्यक्त होती है जब स्व का लोप हो जाता है, जब मन अटकलों में, निष्कर्षों में, विश्वासों में, धारणाओं में, परिकल्पनाओं में नहीं फंसा रहता। ऐसा मुक्त मन ही सत्य को पा सकता है। केवल ऐसा मन ही उस अपरिमेय को, उस अनाम को ग्रहण कर सकता है, और वही यही सादगी है, सरलता है। पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।